तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और कैलेंडर कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता सिलेंडर कैसी है? बस अच्छी हूँ। और आजकल क्या हो रहा है? बस क्या बताऊँ, मैं तो बहुत खुश हूँ शादी करके। मेरे पति तो इतने ज़्यादा शरीफ है ना, मेरे अलावा किसी भी औरत को नहीं देखते। बस अगर मैं तुझे अपने पति की बात बताऊँगी ना, तू हैरान हो जाएगी। क्यों, ऐसा क्या है? मेरे पति तो ना दुनिया के सबसे शरीफ पति हैं। वो औरतों की तरफ क्या, वो तो मेरे तरफ भी नज़र उठा के नहीं देखते। बेटा ज़रा इधर आइयो। जी पापा। कल मार्केट के पीछे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ शराब पी रहा था ना? नहीं पापा, हम तो होमवर्क डिस्कस कर रहे थे। बस बस झूठ मत बोल, तेरी माँ को बता देना सारी असलियत, तू गलवा लेगी, दो थप्पड़ मार के। अब सच सच बता। जी पापा, थोड़ी थोड़ी कभी कभी पी लेता हूँ। बेटा प्यार से समझा रहा हूँ, शराब मत पिया कर। क्यों पापा, शराब पीना गलत बात है क्या? अरे बेटा घर की हालत कुछ ठीक नहीं है, दोनों पियेंगे तो वाट लग जाएगी। डॉक्टर साहब, बहुत परेशानी में हूँ। क्यों, क्या हो गया? दवाई दी तो थी मैंने, दवाई ली नहीं तुमने? ली थी डॉक्टर। तो फिर उसका असर क्या हुआ? ये कैसा असर है? असर मतलब, ये बताओ कैसा फील हो रहा है गोली खाने के बाद? दर्द चुभन है। दर्द चुभन, लगता है गोली साइड इफेक्ट कर गई। अरे वाह लड़की, चलो चांस मारा जाए। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? बोलो ना। नहीं, ये कपोषण का शिकार है तू, ग्लूकोज पी। अब ये क्यों फोन कर रही है? हेलो बेटा। बाबा। अरे बेटा रो क्यों रही है? अरे बेटा बता क्या हुआ? आज मेरा इनसे झगड़ा हो गया। अरे बेटा शादी के बाद छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, ये सब छोड़ और बता क्या कर रही है? कुछ नहीं, गला काट रही थी। हैं? पागल हो गई क्या, इतनी सी बात पे गला क्यों काट रही है? कपड़े सी रही थी, कुर्ती का गला काट रही थी, कोई चैन से जी नहीं दे। हेलो हेलो। अच्छा दादा एक बात बताओ, हम हमेशा पांच ही रहेंगे, आप माँ पापा बहन और मैं? अरे नहीं बेटा, तेरी शादी हो जाएगी, तेरी दुल्हन आ जाएगी, हम छह हो जाएंगे। लेकिन फिर बहन की शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी, हम फिर से पांच हो जाएंगे। अरे बेटा फिर तुम्हारे यहाँ बच्चा हो जाएगा, हम फिर से छह हो जाएंगे। लेकिन दादा फिर आप मर जाओगे, हम फिर से पांच हो जाएंगे। अरे मेरी छड़ी किसी ने देखी है क्या, इसके मारो। लगता दादा बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है और ये सूजी सूजी क्यों लग रही है? तुझे याद है मैंने पिछले हफ्ते फोटोग्राफी का काम शुरू करा था? हाँ हाँ करा तो था, तो क्या हुआ? अभी एक लड़का का मौत हो गई, मैं उसके मरम दिन में फोटो खींचने गई थी, लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ऐसा क्या कर दिया तूने बता? सारे खड़े हुए रो रहे थे और मैंने लाश के ऊपर कैमरा रख के बोला स्माइल प्लीज। ये तो होना ही था, फिर तू पिटी होगी। ये माला क्या कर रही है? पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं साफ आ रही, जाके पूछती हूँ क्या हो गया इसे। माला क्या कर रही है तू, बार बार देख रही हूँ मैं, पता नहीं कैमरा साफ करे जा रही है। यार देख, मैं एक घंटे से एक फोटो लेने की कोशिश कर रही हूँ, साफ ही नहीं आ रहा। मैं एक आइडिया बताऊँ? हाँ यार प्लीज बताना। पहले अपने कूड़ेदान जैसा मुँह तो साफ कर ले, जब ही तो साफ आएगा। तू कर कमीने कहीं की। आज हमारे साथ है छोली बिंद्रा, जिनके बारे में हम आज कुछ जानेंगे। फिर अब तक क्यों नहीं आई? तुझे जान से मार दूंगी कॉफी। छोली बिंद्रा, आपको कॉफी हम दिलवा देंगे, प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताइए, जैसे कि आपके फादर का नाम क्या है? बाप पे गया तू? नहीं मैंने बाप पे जाना नहीं, मैंने बीच सिर्फ में नाम से पूछा। फाड़ दूंगी तुझे, बोल रही हूं मैं। मैंने सिर्फ नाम पूछा है उनका। तू बाप पे गया कैसे? अच्छा माँ का बता दीजिए। तू माँ पे गया कैसे? अच्छा किसी का तो बता दीजिए। तू किसी पे भी नहीं जा सकता। बदबू वाले बाबा, बाबा बदबू वाले बाबा, बदबू वाले बाबा, बदबू वाले बाबा की जय। बाबा जी बड़ी उम्मीदों से आए हैं, जरा चेक करके बताइए क्या परेशानी है हमें। पुत्री हाथ दिखाओ अपना, तुम्हारे में तो मुझे कोई समस्या नहीं लग रही है। पुत्र तुम दिखाओ अपना हाथ मुझे। लो जी देखो। यहाँ गड़बड़ है, तुम्हारे ऊपर चुड़ैल का साया है। बड़ो बाबा होगा अपने घर में, रीदा को कोई कुछ नहीं बोलेगा।
बहन जी जब ये हुआ था ना तो सबने कहा था गड़बड़ हो गई, इसलिए मैंने इसका नाम ही गड़बड़ रख दिया। अरे टाइम काफी हो गया, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अरे छोटी प्लेट बेटा गड़बड़ है। हाँ जी माँ। किचन से छोटी प्लेट ले आ। मुझे तो यहाँ कोई छोटी प्लेट नहीं दिख रही। अच्छा गैस का चूल्हा दिख रहा है? हाँ वो दिख रहा है। उसे जला। जला दिया। इस पे फोन रख और इसे भी जला डाल, फिर प्लेट भी दिखेगी। हाँ? अरे मैं तो ऐसा इलाज करती हूँ, कुत्ते की मौत मरते हैं सारे, कुत्ते की मौत, चाहे बिल्ली हो चूहा हो कोई भी। डॉक्टर मोनिका डॉक्टर यही मिलेंगी क्या? चिल्ला क्यों रहे हो, मिलेंगी मिलेंगी, मैं ही हूँ मोनिका। अरे मैडम बहुत दुविधा है। क्या दुविधा है? मैडम क्या पता लगा सकती है मुझे क्या बीमारी है? जी जी आपको कम दिखता है। अरे वाह आप तो अंतर्यामी हो, आपको कैसे पता लगा? अगर दिखता होता तो बाहर पढ़ना लेते, जानवरों का डॉक्टर है। आंटी आंटी दरवाजा खोलो। कौन है? आंटी मैं हूँ। आ रही हूँ रुक। हाँ बोल क्या काम है? आंटी मुझे ना एक लड़की बहुत पसंद है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो इसमें मैं क्या करूँ? आंटी एडवाइस दो ना क्या करना चाहिए। तू ऐसा कर उस लड़की की माँ को कॉफी पे ले जा और उससे शादी की बात कर ले। ठीक है आंटी, फिर कब चल रही हो कॉफी पे? अब तो तेरी लाश पे ही कॉफी उबालूंगी। क्या लेना आपने? मैंने भोसड़ी लेनी है। भोसड़ी की अंदर भोसड़ी लेनी है? ओ जरा कृष्णा बजांदा है। जेड़ा कृष्णा बजांदा है? हाँ। की कहंदे ओनु? भोसड़ी। भोसड़ी नहीं कहंदे।